हेलो दोस्तों, मेरा नाम सचिन है और आप देख रहे हैं जेक्यूरी ट्यूटोरियल। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था जेक्यूरी सेलेक्टर, ठीक है। तो दोस्तों, जेक्यूरी सेलेक्टर में आज भी और एक सेलेक्टर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, दिस सेलेक्टर, ठीक है। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था आईडी सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर और एलिमेंट सेलेक्टर, और इस क्लास में हम बात करेंगे दिस सेलेक्टर। दिस का यूज हम लोग किस प्रकार से करते हैं और इससे मैं एक बनाने जा रहा हूँ, जो वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखिए, यहाँ पे पहले से मैंने कुछ बटन क्रिएट करके रखा है इस HTML में, और ये जो पेज है इस प्रकार से डिस्प्ले हो रहा है। तो अब क्या है कि देखिए, यहाँ पे जैसे ब्लू कलर, ऑरेंज, ग्रीन, इसमें हम लोग क्लिक करेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो चेंज होगा, ठीक है। इसको करते करते मैं आपको दिस भी समझाऊंगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, पहले हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन, जैसे कि पिछले क्लास में भी इसके बारे में हम लोगों ने समझा था। फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और इसके अंदर में फिर एक फंक्शन, ये भी ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर कर्ली ब्रैकेट। तो ये तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ये क्या काम करता है, ये बोलता है कि जैसे ही डॉक्यूमेंट, ये जो पेज है हमारा HTML डॉक्यूमेंट, जैसे ही लोड हो जाए तो उसके बाद में हम जेक्यूरी की मदद से पेज में क्या करवाना चाहते हैं वो कोडिंग हम लोग इसके अंदर में करते हैं, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सबसे पहला काम इसको क्या करना है, ये एलिमेंट सेलेक्टर हो गया, बटन नाम का जो भी एलिमेंट होगा उसको सेलेक्ट कर लो, और सेलेक्ट करने के बाद में क्लिक वाला जो इवेंट होता है उसको परफॉर्म करना है। क्लिक, इसके अंदर में फिर फंक्शन लिखना पड़ता है, हम लोग फंक्शन लिख देते हैं, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और जैसे ही बंदा क्लिक करेगा उसके बाद क्या करवाना है पेज में उसका कोडिंग इसके अंदर हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ। देखिए वेरिएबल क्या होता है दोस्तों, वेरिएबल में हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को स्टोर करते हैं। अगर आप जावास्क्रिप्ट किए हैं तो, या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप किए हैं तो आपको वेरिएबल का मतलब समझ में आता होगा। और दूसरा चीज क्या है दोस्तों, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग वेर कीवर्ड का यूज करते थे वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए, इसमें भी हम लोग वेर कीवर्ड का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं वेर लिखता हूँ, उसके बाद एक वेरिएबल, यहाँ पे वेरिएबल का नाम देता हूँ कलर, और इसके बाद यहाँ पे मैं बोलता हूँ कि ये आपका सेलेक्ट वाला साइन, और उसके बाद यहाँ पे दिस का यूज कर रहा हूँ मैं। दिस लिखने के बाद डॉट बी ए एल वैल्यू, तो ये क्या होगा दोस्तों, देखिए वैल्यू मतलब यहाँ पे देखिएगा बटन वैल्यू इक्वल टू रेड, ग्रीन, ऑरेंज। तो जिस भी बटन पे क्लिक होगा तो उसका जो भी वैल्यू होगा, दिस डॉट दिस किसको रिफरेंस कर रहा है, जिस बटन पे क्लिक कर रहे हैं उसका वैल्यू के लिए हम लोग दिस कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो दिस डॉट वैल्यू से क्या होगा कि जैसे बटन में हम लोग क्लिक किए इसका रेड है तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, कलर नाम का वेरिएबल में। और उसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक सेलेक्टर और लेते हैं जिसका कलर हम लोग चेंज करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं बॉडी का कलर चेंज करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे बॉडी लिखूंगा, और उसके बाद डॉट css, और css का पहला प्रॉपर्टी, जैसे कि मैं बॉडी का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे बैकग्राउंड लिखूंगा, और उसके बाद जहाँ पे वैल्यू देते हैं वहाँ पे कलर नाम का जो वेरिएबल हम लोगों ने बनाया है, जहाँ वो वेरिएबल का नाम लिख देंगे। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए कि जैसे कि मैं रेड वाला बटन पे क्लिक करूंगा तो अब दिस डॉट वैल्यू क्या करेगा, ये जो इसका वैल्यू है रेड, ये कलर में स्टोर करेगा, और बैकग्राउंड का कलर जो होगा वो रेड चेंज हो जाएगा। उसी प्रकार से जब ग्रीन वाला में क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अब ये ग्रीन वाला वैल्यू को लेगा और ये कलर में स्टोर होगा, और फिर इसका बैकग्राउंड कलर जो बॉडी का रहेगा वो ग्रीन हो जाएगा। चलिए इसको एक बार चल के हम लोग करके देखते हैं। पहले ये है हमारा पेज, इसको हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं, और जैसे कि यहाँ पे रेड लिखा हुआ, यहाँ क्लिक करें देखिए ये रेड हुआ, फिर यहाँ क्लिक करेंगे ग्रीन हुआ, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे ये ऑरेंज हुआ, और फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ब्लू। अब दोस्तों देखिए, अगर डायनेमिकली ये जो रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू आ रहा है, अगर इसको भी हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। वो कहते हैं जैसे यहाँ पे मैंने रेड लिख के रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपल लिख देता हूँ क्लिक मी, सब में मैं लिख दूंगा क्लिक मी, जब बटन में क्लिक होगा तभी उसका नाम डिस्प्ले होगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, CL5 CK क्लिक,
और यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ क्लिक। अब सब जगह देखिए क्लिक में लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको फिर से हम लोग जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, क्लिक मी क्लिक मी क्लिक मी, ठीक है। अब हम लोग फिर से यहाँ जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिर हम लोग बोलते हैं कि दिस, ठीक है, दिस मतलब जिस बटन में क्लिक हो रहा है उसी को ये रिफर कर रहा है, दिस डॉट फिर एक टेक्स्ट। इससे क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर का जो टेक्स्ट होता है वो चेंज होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, कलर नाम का जो वेरिएबल है, जो भी वैल्यू कलर में स्टोर होगा वो क्या होगा, इसका टेक्स्ट में आ जाएगा। जैसे क्लिक में ये इसका टेक्स्ट है तो ये चेंज हो जाएगा। चलिए इसको एक बार करके देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं हम लोग इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। पहले यहाँ क्लिक करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका रेड हो गया, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये ग्रीन हो गया, फिर यहाँ क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑरेंज हो गया, और फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगा। फिर से एक बार रिफ्रेश करते हैं और इसको पेज को मैं आपको बड़ा कर दे रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्लिक में लिखा हुआ है, बट जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ रेड दिखा रहा है, उसके बाद देखिए जैसे इसको क्लिक कर रहे तो ये आपका ग्रीन हो जा रहा है, और फिर इसको क्लिक कर रहे तो ये ऑरेंज आ जा रहा है, और फिर इसको क्लिक कर रहे तो ये आपका ब्लू आ जा रहा है, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह से मेरे वीडियो को देखते रहिएगा, ठीक है।